मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी, आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ नूडल चिकन पकोड़े की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं, लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो चलें अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। नूडल्स मैंने लिए हैं 2 पैकेट, और इस तरह आपने हाथ से क्रश कर लेना है नूडल्स को। अब हम नूडल्स को बॉईल करेंगे, और नूडल्स को हमने हाफ़ बॉईल करना है। तो नूडल्स हाफ़ बॉईल हो चुके हैं, अब मैं इनका पानी ड्रेन आउट कर दूंगी। अब इसमें मैं नॉर्मल पानी ऐड करूंगी ताकि जो नूडल्स हैं आपस में चिपके ना। आलू मैंने लिए हैं 3 अदद, और आलू को अब हम ग्रेट कर लेंगे। आलू ग्रेट हो चुके हैं, अब मैं इसमें बॉयल्ड श्रेडेड चिकन ऐड करूंगी। श्रेडेड चिकन मैंने लिया है 1 बाउल। हाफ बॉयल नूडल्स ऐड करेंगे। दो नूडल्स के पैकेट लिए थे, तो दोनों नूडल्स का जो मसाला है वो ऐड करेंगे। काली मिर्च 1/2 टीस्पून डालेंगे। अब 1 अंडा डालेंगे, और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। विदाउट बेसन बहुत क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं। इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद शैलो फ्राई करेंगे। जी तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इन्हें शैलो फ्राई कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं एक साइड पे प्यारा सा कलर आ गया है। अब हम इसे टर्न करेंगे, और जैसे ही ये साइड में भी कलर आ जाएगा तो पकोड़े डिश आउट कर लेंगे। जी तो हमारे क्रिस्पी से चिकन नूडल्स पकोड़े बिल्कुल रेडी हैं। अब हम मिलेंगे न्यू रेसिपी में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।